नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस रिजल्ट के बारे में। दोस्तों यूपी पुलिस का रिजल्ट है, यह घोषित किया गया है कि दोपहर 2 बजे इसका रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों आपके लिए यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि रिजल्ट को कैसे चेक करें, फिजिकल कब होगा, फिजिकल कहाँ पर होगा, कितने दिन कितने लोग यहाँ पर क्वालिफाई करने वाले हैं और फिजिकल के लिए कितना टाइम यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इन सभी प्रश्नों के जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर प्रश्न का सही सही जवाब आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नया अपडेट आता है आप तक उसको आसानी से हम लोग पहुंचा सकें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों जैसे कि आप यह आप देख पा रहे हैं, यह दोस्तों उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर दोस्तों इसमें यह नया नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है जो कि 3 तारीख को यहाँ पर जारी किया गया था। दोस्तों आप इसको आप अपने मोबाइल पर भी इसको देख सकते हैं। दोस्तों इसको देखने के लिए दोस्तों आप जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप इसे डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसको इस पर कोई कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही वह क्लिक करेंगे तो आप यह डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड करके यहाँ पर अपन देख लेते हैं। दोस्तों मैं पहले से ही इसको डाउनलोड किए हुआ हूँ तो दोस्तों, लेकिन फिर से मैं आपके सामने इसको एक बार डाउनलोड कर रहा हूँ। दोस्तों यह डाउनलोडिंग होने लग गई है, यह थोड़ी ही देर में यह डाउनलोड हो जाती है। दोस्तों जैसे ही यह आप डाउनलोड हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ही आपके मोबाइल पर है ओपन हो जाएगी। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यह दोस्तों सूचना जो दी गई है, यह दोस्तों कहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की बोर्ड की तरफ से यह सूचना जारी की गई है। ठीक है दोस्तों, यह किसके संदर्भ में सूचना है? तो दोस्तों यह सूचना है जो यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजन किए जाने के संदर्भ में यह सूचना जारी की गई है। यानी कि जो भी यहाँ पर पुलिस का परीक्षा हुई थी पुलिस कांस्टेबल की, उससे दोस्तों परीक्षा परिणाम और शारीरिक यानी कि फिजिकल के लिए है सूचना संबंधित है। तो चलिए एक एक करके हम आपका हर प्रश्न के जवाब यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है यहाँ पर कि रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है 4 दिसंबर 2012 को, सॉरी 4 दिसंबर 2018 को यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों दोपहर 2 बजे यहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, कब की जाएगी? दोपहर 2 बजे 4 दिसंबर 2018 को 2 बजे रिजल्ट आपका शो होने लगेगा। आप चेक कैसे कर सकते हैं अपना? दोस्तों आप चेक करने के लिए आप अपना रोल नंबर यहाँ पर जो विंड खुल जाएगी दोस्तों एक विंडो में यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना रोल नंबर डालेंगे और वहाँ पर उसके नीचे यहाँ पर आपको एक और कॉलम मिल जाएगा जहाँ पर आप अपनी जन्म तिथि फिर डाल सकते हैं। जैसे आप जन्म तिथि डालेंगे आपके सामने लॉगिन का बटन यहाँ पर होगा, तो आप उस पर जैसे ही लॉगिन करेंगे आप अपना रिजल्ट शो हो जाएगा, यानी कि आप अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर दूसरी पॉइंट है कि दोस्तों जो भर्ती यहाँ पर की गई है दोस्तों उसमें सफल पर कितने केवल और केवल 1.5 गुने अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कि 40 से 41 हज़ार पोस्ट यहाँ पर है, लगभग 62 से 65 हज़ार के समथिंग यहाँ पर लोग क्वालिफाई होने वाले हैं। ठीक है, कितने से? 62 से 65 हज़ार केवल विद्यार्थी यहाँ पर क्वालिफाई होंगे। कितने? 62 से 65 हज़ार के समथिंग ही यहाँ पर क्वालिफाई होने वाले हैं, ज़्यादा यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, केवल 62 हज़ार या 62 से 65 हज़ार के लोग, यानी कि जो जितने भी पोस्ट हैं उनका 1.5 गुना विद्यार्थी ही केवल यहाँ पर क्वालिफाई किए जाएंगे फिजिकल के लिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे आगे पहुँच आगे चलते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि नागरिक पुलिस आरक्षी PAC के पदों पर सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु पाए गए अभ्यर्थियों को यहाँ पर दोस्तों कब से? 5 तारीख से, यानी 5/12/2018 से बुलाया जाएगा। ठीक है, 5/12/2018 से यहाँ अलग अलग जगहों पर बुलाया जाएगा, जैसे दोस्तों कानपुर, झांसी, गोरखपुर, यहाँ पर
लखनऊ, अयोध्या, आगरा, अलीगढ़, दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर लगभग 18 शहर दिए गए हैं जहाँ पर अपना अपना फिजिकल होने वाला है। ठीक है, तो यह दोस्तों जल्दी से आप अपना रिजल्ट देख के यह आसानी से इसको जा सकते हो। जल्दी से आप अपने दिए हुए समय और स्थान पर आप जरूरी यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा की। ठीक है, तो दोस्तों यह कब होने वाली है? दोस्तों यह शारीरिक दक्षता होने वाली है 7 दिसंबर को है होने वाली है। ठीक है, कब होने वाली है दोस्तों? यहाँ पर 7 दिसंबर 2018 से, ठीक है, यहाँ पर होगी 11 जनपदों में। ठीक, यानी 11 शहरों में, कौन कौन? कानपुर नगर में, झांसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, आगरा, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी और प्रयागराज में आयोजित की जाएगी। तो आप इन शहरों में से कहीं भी आपका नाम आ सकता है। ठीक है दोस्तों, शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र में यह स्पष्ट रूप से दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यह एक यहाँ पर रहेगा कि आपके निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होने ही सुनिश्चित करें, यानी कि जब आपका समय हो उसके आप ठीक समय पहले उस वहाँ पर आप पहुँच जाएँ और अपने जो भी कार्य हो है आसानी से आप देख सकते हैं। दोस्तों यानी कि आप यह कह सकते हैं आपका रिजल्ट 4 को है और दोस्तों आपको यहाँ पर 7 तारीख से आपका फिजिकल हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर केवल और केवल 3 दिन ही मिलने वाले हैं फिजिकल के लिए। तो दोस्तों आप, मैं पहले ही जो यहाँ पर वीडियो बनाया था, मैं पहले ही आपसे बोल चुका था कि आप जल्दी से जल्दी अपना यहाँ पर फिजिकल की तैयारी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।